अमेजिंग स्पाइडरमैन का वह दृश्य तो याद होगा जहां पीटर पार्कर अपने मकड़ी के जाले के साथ अपने घुटने के घाव को बांधता है। खैर, वो मूवी का सीन तो था ही, पर साथ ही साथ इतिहास का सबसे लाभदायक प्राथमिक उपचार भी था। मकड़ी का जाला चोट और खरोंच के लिए एक उत्कृष्ट प्राकृतिक उपचार है। प्राचीन ग्रीस और रोम में डॉक्टरों ने अपने रोगियों के लिए पट्टी बनाने के लिए मकड़ी के जाले का इस्तेमाल किया। मकड़ी के जाले में प्राकृतिक एंटीसेप्टिक और एंटीफंगल गुण होते हैं, जो घावों को साफ रखने और संक्रमण को रोकने में मदद करता है। यह भी कहा गया है कि मकड़ी के जाले विटामिन के से भरपूर होते हैं, जो थक्के को बढ़ावा देने में मदद करता है। मकड़ी के जाले वास्तव में मजबूत होते हैं। इसे मकड़ी के शरीर के प्रोटीन से उत्पादित रेशम से बनाया जाता है। इसे स्पिनसेट के माध्यम से रेशम में बदल दिया जाता है। स्पिनसेट एक मकड़ी के पेट पर स्थित होते हैं। प्रत्येक मकड़ी में 3 या 4 स्पिनसेट होते हैं। स्पिनसेट के अंदर रेशम ग्रंथि से जुड़े कई स्पिगट्स होते हैं। मकड़ी का रेशम तरल रूप में निकलता है। जैसे ही मकड़ी के शरीर से बाहर निकलता है, यह कठोर होने लगता है। ये पूरी प्रक्रिया बाद में रेशम का रूप ले लेती है। मकड़ी के जाले का उपयोग प्राचीन काल से किया जाता रहा है, जब यूनानियों और रोमियों ने रक्तस्राव को रोकने के लिए घायल सैनिकों का इलाज किया। सैनिक गहरे घावों को साफ करने के लिए शहद और सिरके के लेप का उपयोग करेंगे और फिर उस लेप को मकड़ी के जाले से कवर करेंगे। मकड़ी के जाले को चोट या खरोंच वाले खुले घाव पर बांधने से घाव तेजी से सूख जाएगा। मकड़ी के जाले में एंटीफंगल और एंटीसेप्टिक गुण होते हैं, जो बैक्टीरिया को दूर रखते हैं, संक्रमण की संभावना को कम करते हैं। जब तक वेब साफ है, तब तक यह किसी भी संक्रमण का कारण नहीं होगा या घाव की स्थिति को बिल्कुल भी नहीं बढ़ाएगा। मकड़ी के जाले की पट्टी खुद बनाना आसान नहीं है। सबसे पहले आपको एक साफ मकड़ी के जाल की तलाश करनी होगी। आपको एक ताजे मकड़ी का जाला चाहिए होगा, या फिर जाले में कोई कीट नहीं होना चाहिए। यदि मकड़ी वहाँ है तो थोड़ा सा ध्यान से हटा दें और वेब को काटें। फिर मकड़ी के जाल को उस घाव पर रखें या लगाए बांध लें। यह जाले की मात्रा पर निर्भर करता है कि आपके पास जाला कितना है। सुनिश्चित करें कि सभी किनारों को वेब द्वारा कवर किया गया है। वेब को घाव की सतह को छूना पड़ता है। घाव पर जाल लगाने के बाद उस घाव को कपड़े से कवर करें। यह घाव पर वेब को सुरक्षित रखने में मदद करता है और प्रभावित क्षेत्र की रक्षा भी करता है। यदि मकड़ी के जाले आपके घाव पर सख्त हो गए हैं और इसे निकालना मुश्किल है, तो बस गर्म पानी कर अपने घाव पर डालें। पानी वेब को ढीला कर देगा, जिससे इसे निकालना आसान हो जाएगा। 5 साल के गहन शोध और काम के बाद नॉटिंघम विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक कोलाई बैक्टीरिया से इस सिंथेटिक मकड़ी के रेशम को बनाने में कामयाबी हासिल की है, जो न केवल पट्टी बांधेंगे बल्कि आपके घाव में ड्रग्स भी पहुंचाएंगे। वैसे मकड़ी के बारे में इतना ही सत्य नहीं है, उनमें एक और खूबी है, वो मिलो दूर तक उड़ सकती है। मकड़ियों के बारे में अधिक जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक पर क्लिक करें। सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। मस्ट शेयर एंड कॉमेंट। Thanks for watching.